हेलो गाइस, दिस इज कैफ फ्रॉम नॉइस टेक और ये है मीवी के नए बर्ड्स डुओ पॉड्स F40। हमारे पास ये कम से कम 5 दिन हो गए होंगे इसे यूज करते हुए और आज इस वीडियो में मेरा इसका आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये वीडियो का रिव्यू ऑफ कोर्स आपको लेट मिल रहा है। इसका पहला मेन रीजन है हमको थोड़ी सी डिलीवरीज लेट आती है एंड दूसरा रीजन है मैंने इसको काफी अच्छे से 4-5 दिन यूज किया है। सबसे पहले अगर आप डब्बा देखोगे ऊपर आपको डुओ पॉड्स F40 लिखा दिख जाएगा। राइट एंड लेफ्ट पे कुछ भी नहीं, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। पीछे आपको काफी सारे की हाइलाइट्स डिटेल में मिल जाते हैं और अगर डब्बे की बात की तो इसको खोलते साथ आपको यहाँ पे आपकी एक मैनुअल मिल जाएगी, एक आपको वेलकम कार्ड मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। उसी के साथ साथ एक टाइप सी की केबल एंड देन आपको आपके बड्स देखने मिल जाएंगे। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो ये बड्स एकदम छोटा डिजाइन है, काफी अच्छा दिखता है एंड काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। लगता नहीं है कि ये 1000 रुपए का TWS है। जनरली मीवी इस प्राइस ब्रैकेट में बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करता है बट इस बार वो चीज नहीं है। आपको पूरा मैट फिनिश मिलेगा, मीवी का ब्रांडिंग है, LED सामने है, नीचे टाइप सी का पोर्ट है। दिखने में ये काफी अच्छा लगता है एंड द बेस्ट थिंग इज ये लिड का क्वालिटी काफी ज्यादा स्नैपी लिड है और टाइट है। प्रॉब्लम नहीं है, झटका दोगे तब जाके बंद होगी। ये मैग्नेट का क्वालिटी काफी अच्छा है एंड ये लिड जहां रोको वहां रुक जाती है। भाई ये चीज मुझे अच्छी लगी कि लिड की क्वालिटी या केस की क्वालिटी पे इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बट्स की अगर मैं बात करूं ये पूरा आपको हाफ इन ईयर डिजाइन मिल जाता है जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे ऊपर LED है, ये पूरा क्लीन है एंड यहाँ पे ऊपर में आपको टच एरिया मिल जाएगा। यस, ये पूरा हाफ इन ईयर डिजाइन है तो अगर आपको हाफ इन ईयर नहीं जमते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फुल इन ईयर वाला बंदा हूँ और फिर भी मुझे ये हाफ इन ईयर डिजाइन से जीरो इश्यूज थे। पहन के रखो लंबे लंबे टाइम तक, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना भी सर पटको ये नहीं गिरते हैं, इतना ज्यादा आपको यहाँ पे अच्छा कम्फर्ट देखने मिलता है। यहाँ पे आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है तो भाई हल्का फुल्का छप 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 पानी मारो कुछ नहीं होगा, बारिश हल्की फुल्की बर्दाश्त कर लेगा, जिम वर्कआउट में स्वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपको जाता है ब्लूटूथ 5.2। पास पेयरिंग रहती थी तो थोड़ा सा बेटर रहता था, नहीं है। खोलना है बस को, बाहर निकलना है, उसके बाद आपके फोन से ये पेयर हो जाते हैं। कनेक्शन प्रोसेस सीमलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे एंड 9 से 10 मीटर का रेंज भी बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट को भाई जब पहली बार पहनोगे अंदर आ जाएगी सब्सक्राइब नॉइस टेक, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। और भाई कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, 1000 रुपए के हिसाब से आपको लेना चाहिए या नहीं। मीवी ने यहाँ दी है 13 mm के ड्राइवर्स एंड उस हिसाब से साउंड क्वालिटी एकदम 13 mm के ड्राइवर जैसे नहीं है बट 1000 रुपए के हिसाब से काफी अच्छी साउंड क्वालिटी। यहाँ पे आपको एक काफी डिसेंट बेस मिलेगा, थंब फील होगा, एकदम ज्यादा धनधन छनछन नहीं है पर काफी अच्छा बेस है। ट्रेबल्स काफी ज्यादा क्लियर, वोकल्स की बात करूं या इंस्ट्रूमेंट्स काफी मस्त है, हाई वॉल्यूम्स भी बहुत हाई चले जाते हैं। बाहर का पैसिव नॉइस कैंसिलेशन 70-80% कर लेते हैं फुल वॉल्यूम पर। साउंड क्वालिटी में आई कैन से 1000 रुपए में डेफिनेटली मीवी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। वो लोग जैसे बोल रहे हैं एकदम स्टूडियो लेवल साउंड या एकदम हाई बेस, उतना ज्यादा अच्छा बेस नहीं है बट डेफिनेटली अगर आपको एक बैलेंस प्रोफाइल पसंद है, आपका बजट कम है, आप 100% इसे कंसिडर कर सकते हो। टच कंट्रोल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिंगल टैप मिल जाता है म्यूजिक प्ले पॉज के लिए, डबल टैप मिलता है नेक्स्ट प्रीवियस के लिए एंड राइट पे होल्ड किया वॉल्यूम अप जाता है, लेफ्ट पे होल्ड किया वॉल्यूम डाउन जाता है, गूगल सीरी को भी एक्टिवेट कर सकते हो। MEMS टेक्नोलॉजी दी है ताकि आपको यहाँ पे अच्छी माइक क्वालिटी मिल जाए। एक छोटा सा टेस्ट बनाया है, सुन लो। ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है मीवी के डुओ पॉड्स F40। मैं भी अपने स्टूडियो में हूँ, काफी ज्यादा शांति है, आपको इसका आइडिया आ जाएगा इंडोर में यहाँ पे माइक क्वालिटी आपको कैसी सुनने मिलेगी। यहाँ आपको कोई गेमिंग मोड देखने नहीं मिलेगा। बैटरी लाइफ की बात करूँ ये केस 500 mAh का है। बड्स से पहले स्टार्ट करते हैं, ये बड्स पे आपको मिलेगी 8 घंटे की बैटरी लाइफ, मीवी ने क्लेम किया एट 70% वॉल्यूम। मेरा यूजेज 6 आवर्स के प्लस ही था जो बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ है बजट के हिसाब से एंड ये केस से कंपनी ने क्लेम किया 50 घंटे एट 70% वॉल्यूम। मेरा यूजेज 40+ आवर्स ही था एट 85-90%। आई कैन डेफिनेटली से मीवी ने यहाँ पे बैटरी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। 1000 रुपए में आप 100% ये प्रोडक्ट ले सकते हो, काफी डिसेंट सा साउंड है। बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं पुराने मीवी के प्रोडक्ट से कंपेयर करूँ जमीन आसमान का फर्क है, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस बार कर दी गई है। बैटरी लाइफ एकदम सॉलिड है, माइक क्वालिटी काफी डिसेंट है, आपका काम निकल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपको एक हाफ इन ईयर डिजाइन अच्छा लगता है आप ले सकते हो। यस, यहाँ पे थोड़ा सा साउंड लीकेज मिलेगा आपको बट डेफिनेटली ये प्रोडक्ट रिकमेंडेबल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब।